प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताएंगे दस्ताभ्यास एट। दोस्तों दस्ताभ्यास एट के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 बता दिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो ना देखें जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभी तक हम एक भी सवाल, एक भी अभ्यास नहीं छोड़े हैं। लीजिए ठीक है, यदि आपको बिलीव ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, हम एक एक सवाल, एक एक अभ्यास बताए हैं कि नहीं, तब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम बताएं हैं कि नहीं बताएं हैं। या आप अगर प्लेलिस्ट चेक करना नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना लिखिएगा जो आपको अभ्यास ना आए, ठीक है ना। तो वही अभ्यास का नाम लिखिए पहले, जैसे कि दस्ताभ्यास एट नहीं आ रहा है तो लिखिए दस्ताभ्यास एट, उसके बाद बाई इंजॉय विथ आरसी सिंह ऐसे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा गया है। पहले क्वेश्चन नंबर 16 हम लिख लेते हैं, कितना क्या लिखा गया है देखिए। 5x² माइनस कितना है आपका, कितना है 16x माइनस 21 बराबर आपका 0 है, ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों। ठीक है, हमने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया। चलिए, ये तो रहा क्वेश्चन आपका। अब आप जानते हो ये एक प्रकार गुणनखंड है और कुछ है नहीं, है ना। आप जान ही गए हो गुणनखंड, आपको अच्छे सिखाए भी हैं। तो आप लोग सबसे पहले करते क्या हो, अंतिम का संख्या गुणा कर लेते हो, यानी कि ये लास्ट वाला और अंक का गुणा कर लेते हो। 21 × 5 क्या होगा ये बताओ। चलो हम बगल में करके समझा देते हैं, ये बताओ 21 जब गुणे 5 करोगे तो आएगा 5 × 5, 5 × 2 = 105 आएगा। बोलो ये 105 आएगा ना। अब हम क्या करें, ऐसा यानी कि 105 गुणनखंड करो और इसमें ऐसा कोई संख्या बनाओ। देखो यहाँ पर बनाया है, क्योंकि 21 में से 5 जब घटाओगे, देखो 21 में से जब 5 हम घटा देते हैं तो कितना आना चाहिए, 16 आ जाएगा। देखो देख लो, आप चेक कर लो, यही तो आएगा ना भाई। 11 में 5 गया 6 आएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि 16 बीच में हमको लाना था, तो यही हमको लाना था ना, तो हमारा काम बन गया। चलो इसमें करने कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करो, सिर्फ इतना कर दो कि यहाँ पर सिर्फ इसी के स्थान पर हम इतना लिखेंगे, इतना करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, इतना करने चल रहे हैं। चलो हमारे साथ मिलकर इसको हल करो। आप देखो 5x² हमने ऐसे सेम लिख दिया, ठीक है। हमको लाना है इसको माइनस बनाना है, तो हम क्या कर दें, 21 इसको माइनस में कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 21x माइनस में कर दे रहे हैं और इसको 5x प्लस में कर दे रहे हैं, तभी तो घटेगा ना। ये बताओ, ऐसे आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसे ही एकदम दिमाग में होना चाहिए, या एक लाइन लोग बढ़ा देते हैं कि पहले 21 माइनस 5 करते हैं, कोष्टक बंद करते हैं, फिर x लगाते हैं, फिर अंदर गुणा करते हो, फिर यही आ जाता है। तो 3-4 लाइन जो है यहाँ पर कट जाती है दोस्तों, अगर इतना आप लोग समझ लोगे तो, ठीक है ना। फिर भी अगर ये समझ लेते हैं ना, तो 3 लाइन कटेगा, जान लीजिए। देखो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना जो लोग बना लिए, इतना बनाने के बाद क्या करते हो, सिर्फ जो जिसका चिन्ह यहाँ पर रहे, अर्थात जो ज़्यादा रहे, अर्थात हमको जिसमें लाना है उसको बड़ा कर दो, ठीक है ना। एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, जोड़ना है तो दोनों माइनस में रहेगा, बस इतना ही होगा ना। घटाने में बस इतना रहेगा कि जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा वही यहाँ पर आता है। 21 - 21 और प्लस 5 कर दिया और यहाँ नीचे उतार लिया, कितना 21 बराबर 0 कर लिया इसे, ठीक है ना। इतना तो हमने कर लिया। तो अब क्या कर सकते हो, देखो बात समझो हमारी अच्छे से। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कैसे आगे पीछे लिख सकते हो, हम बता दे रहे हैं कैसे। ये 5x है ना, प्लस में इधर, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं आगे, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 5x² और इसको लिख दे हैं पहले, 5x पहले लिख दे रहे हैं, माइनस 21x बाद में लिख दे रहे हैं, तब भी यही आएगा, ठीक है ना। 21x माइनस कितना 21 बराबर 0 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्यों कोई दिक्कत है क्या, बोलो, ठीक है ना। लेकिन हमें हमारा काम बन गया, यानी कि कामा लेने में, ठीक है, कामा लेने में यहाँ आसानी होगी, इसलिए हमने आगे पीछे लिखा। चिन्ह के साथ आगे पीछे लिख सकते हो, ये नियम है, ठीक है। अब 5x यहाँ पर, 5x यहाँ भी, तो हमने क्या कर लिया, 5x ही कामा ले लिया, यानी 5x जो है बाहर निकाल लिए, तो यहाँ सिर्फ x अकेले बचेगा। जब 5x इसमें भाग करोगे तो सिर्फ x अकेले बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों में 21 दिख रहा है, तो क्या कर लेंगे हम, माइनस 21 का मान लेंगे, जब माइनस 21 का मान लेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर x अकेले बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 21 से कम के हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया।
इतना बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। चलिए देखते हैं, दोनों कोष्टक में यक्स प्लस वन दिखा तो आप क्या कर दो, यक्स प्लस वन दोनों में कॉमन ले लो। अब किनारे किनारे क्या लगा है, फाइव यक्स है माइनस कितना 21 है, तो फाइव यक्स है माइनस कितना 21 बराबर क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। अब लिखो यहीं पर क्या लिखोगे, यदि, क्या लिखोगे, यदि कि यक्स प्लस वन बराबर यदि जीरो है, एक बार इसके बराबर जीरो कर दे रहे हैं और एक बार इसके बराबर जीरो कर दे रहे हैं। तो देखो यदि x प्लस वन बराबर जीरो करेंगे तो देखो प्लस में है ना, इधर एक क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक हो गया, ठीक है, x माइनस क्या हो गया, एक हो गया। अब यहीं पर लिखो यदि, क्या चीज़, यदि इसके बराबर जीरो कर दो, कितना 5x माइनस 21 यानी 21 बराबर जब जीरो करते हो तो माइनस में है ना, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो, लेकिन यहीं पर आपका आंसर नहीं होता है, जब भाग करोगे 5 भागे 21 करोगे, चलो हम बगल में करके दिखा दे रहे हैं, 5 भागे 21 करोगे तो 5 चौके 20 होता है। बोलो यहाँ पर देखो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा तो 4, जो यहाँ पर होता है भागफल और शेष सही बटे में हो जाता है, 4 सही 1 बटे 5 इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 सही 1 बटे 5, ठीक है। अब पढ़ोगे कैसे, 4 सही 1 बटे 5 इसको गुणा करोगे, वह देखो वही आ जाएगा, 5 चौके 20 एक इक्कीस, 21 बटे 5 लिखा गया है, तो ये होता है दोस्तों, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको आंसर मिलाना ही है तो पहले इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे 4 सही 1 बटे 5 और कामा करके यही लिख दो माइनस एक, तो यही दोनों के आपका आंसर दे रहा होगा, है ना। हमें लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाता है, यदि नहीं आता है फिर भी एक बार वीडियो जो है फिर से करके देख लो, आप फिर से चला कर देख लो, जहाँ पर ना समझ आया हो फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन बात हम आपसे यही बार बार कहते हैं कि बस एक लाइक और एक शेयर, अपने मित्रों तक इसको सेंड करो और एक लाइक कर दो बस हमारे लिए, ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो को बनाएं, और जो आप अभ्यास कमेंट करोगे या अभ्यास बताइए हम आप उस अभ्यास को बता देंगे, बस एक लाइक और एक शेयर करने पर, ठीक है दोस्तों, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, यानी 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है यक्स स्क्वायर माइनस कितना 23 यक्स और प्लस कितना 132, ये आपका क्वेश्चन है, बराबर जीरो है, ठीक है, मिला लो एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 132 बराबर जीरो है। तो आप जानते हो एक प्रकार क्या है, गुणनखंड है, तो यही करोगे ना, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, सिर्फ 132 गुणा कर लो, यानी कि गुणनखंड कर लो आप। चलो 132 गुणनखंड आपको करके दिखाते हैं, 132 कैसे गुणनखंड करो आप, 132 चल रहे हैं गुणनखंड, देखो जब 2 से भाग करोगे 2 6 12, यहाँ एक बचेगा इसको दे दो, कितना हो जाएगा 12, 2 6 12 हो गया, ठीक है ना। अब फिर 2 से भाग करो क्योंकि अभी कर रहा है, 2 3 6 और 2 3 6, अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो आप, 3 1 3 3 1 3, फिर 11 से कम कितना हो जाएगा, 11 हो गया, ठीक है, इतना हो गया ना। हमें ये बताओ, सीधी सी बात है, 2 2 4 3 12 होता है, ठीक है, बोलो 12 होता है ना, तो 12 × 11 जब करोगे तो आ जाएगा कितना 132, चाहे गुणा करके आप लोग देख लो, 12 × 11 करोगे क्योंकि 2 2 4 3 12 गुणा में 11 बराबर 132 हो जाएगा। लेकिन 12 और 11 जब जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 12 और प्लस 11 को जोड़ोगे, 2 1 3 और 1 1 2 कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। बस हमको यही तो लाना था दोस्तों, कि बीच वाले संख्या में जो है हमको 23 लाना था, माइनस 23 लाना है, तो ऐसे करेंगे हम माइनस 12 और माइनस 11 कर देंगे, तब आ जाए कितना, माइनस 23 आ जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। चलो यही करने चल रहे हैं, देखो यहाँ पर यही करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 कर देंगे, 12 एक्स है क्योंकि एक्स लगा था, एक्स लगा दिए, और माइनस कितना 11 एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस कितना 132 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इतना कर दिए, है ना। अब दोनों में कॉमन ले लो आप, जब दोनों में कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे बताओ, अगर माइनस 11 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स अकेले बचेगा, और जानते हो 11 बराबर में कितना 132 होता है, और ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब भाग करोगी 11 से 132 में तो 12 बढ़ जाएगा क्योंकि अभी आप लोग गुणनखंड देखे हो, ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दोनों
दोनों में क्या कोष्टक मिला, यक्स माइनस 12, तो हम यक्स माइनस 12 हमने कामन ले लिया पूरे में, और दोनों बगल बगल में क्या लिखा है, यक्स माइनस 11, ठीक है, बराबर 0। अब यहीं पर लिखो कि यदि, क्या लिखोगे, यदि यदि यक्स माइनस 12 बराबर जब 0 होता है तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा, है ना, एक बार। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यदि यक्स माइनस 11 बराबर जब 0 होता है तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आंसर आपका लाना है, यानी आंसर ही लाना है, तो पहले 11 आता है तो लिख दो क्या, 11 और 12 इस सवाल का आंसर होगा, बस, ठीक है ना। बताओ कितना ईजी है, हमें लगता है कि अब लाइक कर दोगे, बोलो अब लाइक कर दोगे ना, चलो लाइक भी कर दो, अब अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो, आपको समझ आ गया हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं आपको, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नोट करने चल रहे हैं हम लोग। देखिए लिखा गया कितना, 14x² प्लस कितना, 19x और माइनस 3 बराबर ये 0 लिखा गया है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन नोट कर लिया, 14x² प्लस 19x माइनस 3 बराबर 0 है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप जानते हो इसका, इसमें गुणा करो कि 14 तिरिक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना, 42 होता है। अब 42 का ऐसा गुणनखंड करो कि हमको लाना है बीच में है 19 लाना है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो बोलो, 21 दूनी 42 होता है, नहीं बताओ, 21 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 42, और 21 में से 2 जब घटा दोगे आ जाएगा 19 आ जाएगा, बस इतनी सी प्रक्रिया है बस यहाँ पर, और कुछ है नहीं ज़्यादा, जल्दी है ना। तो बस यही करने चल रहे हैं, बस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखो हम यहाँ पर यही करेंगे, 21 में से 2 घटा देंगे बस, ठीक है, 21 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 19 यहाँ पर। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 14x² बोलो, और हम यही करेंगे ना, प्लस 21x, क्योंकि ज़्यादा जो चिन्ह हमको लाना होता है उसको प्लस में करते हैं, 21x है और माइनस कितना कर देंगे, 2x, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, बस इतनी से तो होगा ना, और कुछ होगा नहीं। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे, तो ये 14 और 2 में कॉमन बन जाएगा और 21 और 3 में कॉमन बन जाएगा, है ना, ऐसे होगा नहीं आगे पीछे। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो है चिन्ह के साथ आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 14x² माइनस, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, माइनस 2x है, और प्लस कितना लिख दे रहे हैं, 21 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है आपका, है ना, 21x माइनस 3 बराबर ये 0 हो गया है, ठीक है, इतना हो गया आपका। चलो देखो अब इन दोनों कामन बन जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 14 है, तो हम ऐसे कर देते हैं, 2x कामन लेते हैं, जब 2x कामन लेते हैं तो यहाँ पर 2 × 14 होता है ना, बोलो 2 × 14 होता है, तो यहाँ 7x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 1 बचेंगे सिर्फ है। अब यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 21 है, तो क्या कर दो, प्लस 3 कामन ले लो, ठीक है ना, प्लस कितना, 3 कामन ले लो, तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 3 × 7 = 21x हो गया, और 3 × 1 कम कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि जब भाग करोगे 3 × 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और प्लस माइनस माइनस हो गया। देखो 7x - 1 7x - 1 दोनों कोष्टक मिला, तो हम ऐसे लिख देते हैं कितना, 7x - 1 एक कोष्टक में, और बाहर बाहर कितना लगा है आपका, बाहर बाहर ये है 2x प्लस कितना, 3, ठीक है, बराबर आपका ये 0 है, यहाँ पर भी 0 लिख दो आप, ठीक है, ये हो गया आपका। यदि ऐसे लिखो, यदि क्या लिखोगे, यदि 7x - 1 बराबर 0 करोगे, तो ये हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, x बराबर यहाँ पर गुणे में, इधर में आएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/7 हो गया, 1/7 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बराबर, यदि लिखो, यदि 2x + 3 बराबर जब 0 करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये प्लस में है ना, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो गया, और 2 किस में गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2, लेकिन अभी यहाँ पर भाग जाएगा, हम बार बार आपको भाग भी करना सिखा रहे हैं, ठीक है ना, भाग भी करना सिखा रहे हैं आपको हम। तो जब इसको भाग करोगे क्या जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1, 1 सही, क्योंकि 2 × 1 = 2, 1 सही, 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि आपको आंसर ही लिखना है तो कैसे लिखोगे, आंसर ही लिखना है तो लिख के आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहले इसको लिखोगे सही, जो मतलब जो कम रहता है उसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि माइनस में तो ये कम है, तो माइनस 1 सही, 1/2 = 1/7, यही आंसर आएगा दोनों में,
यानी कि इन दोनों का आंसर यही आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फिर भी यदि कहीं पर प्रॉब्लम लगे आपको तो सवाल को एक बार फिर से पुनः जो है वीडियो को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो लाइक और शेयर करते रहो दोस्तों। हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि 18 हो गया ना, अब लेते हैं 19 नंबर। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया है, क्या लिखा गया है। ये 6x स्क्वायर प्लस कितना 17x और प्लस 12 बराबर ये 0 है। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है, यानी कि गुणनखंड करना है ना। इन समीकरणों का क्या करना है आपको, हल करना है ना। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, यहाँ पर संख्या और यहाँ पर लास्ट संख्या है, तो संख्या संख्या गुणा कर लेते हो, 12 संख्या कितना हो जाएगा 72। बोलो ऐसे 72 हम बगल में चलो लिख के बता देते हैं, 72 हो गया ना। अब 72 का ऐसा गुणनखंड करो कि हमको बीच में लाना है कितना, 17 लाना है। तो आप जानते हो कितना जानते हो, यानी 9×72 होता है, बोलो 9×72 होता है ना। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि इसका इसे गुणा करोगे 72 आ जाएगा, लेकिन 9×8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमको 17 ही तुलाना था ना, बस यही तुलाना था। तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे कितना 6x स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 17x की जगह पर, देखो इस 17x की जगह पर हम लिख सकते हैं 9 और 8 लिख सकते हैं, अर्थात जो है प्लस 9x प्लस कितना 8x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो ठीक है ना। और प्लस कितना 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ इन दोनों में कामन हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों में कामन क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो 3x काम लेते हैं, क्यों, देखो 3×3=9 होता है, तो यहाँ पर हम 3x काम लेते हैं, क्योंकि देखो 3x से जब भाग करेंगे इसमें, तो 3×2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर x अकेले बचेगा तो 2x हो जाएगा, और प्लस जब इसमें भाग करेंगे 3×3 कितना हो जाएगा 9, 3 बार गया और x से x कट जाएगा। अब देखो, अब 8x और 12 में कितना कामन है, तो हमें लगता है कि 4 कामन है, कितना कामन है, 4 कामन है। देखो 4 से भाग करोगे तो 4×8 यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 4 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। बोलो ठीक है, अब देखो 2x+3 दोनों कोष्टक में है, तो 2x+3 दोनों कोष्टक में था, इसको हम पहले लिख दिए, और बगल बगल में कितना लिखा है, बगल में लिखा है 3x+4 बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब बस यदि ऐसे लिखो, यदि क्या लिखोगे, यदि 2x+3 बराबर हम 0 करते हैं, 2x+3 बराबर 0 करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अब इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। इसको ऐसे भाग में करोगे तो हो जाएगा कितना, 2×1=2 बार गया, तो 1 - 1 सही 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, जब गुणा करोगे इसको 2×1=2 -3/2 तब आएगा। ठीक है, ये एक आंसर ये है। ठीक है ना, अब दूसरा देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम दूसरा दिखाते हैं आपको, यदि लिखो ऐसे साफ साफ, ठीक है, फेयर कापी में से 3x+4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। अब क्योंकि देखो गुणा में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, अब इसको भाग करोगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3×3 तो -1/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इससे गुणा करोगे देखो 3×3=4 हो जाएगा ना, तो -1/-4/3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो जो कम रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। तो ये कम है ये वाला, है ना, इसको पहले लिख लो, -1/3 कामा करो, और माइनस कितना, -1/-1/2, यही क्या है आपका, यही टोटल आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पूरे अभ्यास का दोस्तों, अर्थात दस्ताभ्यास 8 का क्वेश्चन नंबर 20, जो 20 नंबर क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है, हम आपको बता देंगे, इसी वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन बस एक बार आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है दोस्तों, तो उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये देखो कोई बुरा नहीं मानेगा, पहली बार ये सब चीज़ें जो जिनको नहीं आता ना, वो लोग अच्छा ही समझेंगे कि कम से कम ये हमको नहीं आता था, ये दोस्तों आप लोग भेजोगे तो अच्छा समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग भेजते नहीं किसी के पास जो है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताने चल रहे हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। आइए मित्रों, हम लोग दस्ताभ्यास 8 का अंतिम सवाल अर्थात 20 नंबर देखते हैं, यानी 20वां नंबर।
ठीक है ना, देखते हैं लिखा गया है कितना लिखा गया है, पहले सवाल नोट कर लेते हैं। 24x² माइनस कितना 65x और प्लस कितना 21 बराबर जी जीरो लिखा गया है, ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है ना। 24x² माइनस कितना 65x प्लस 21 बराबर जीरो है, ये हमने क्वेश्चन ऐसे नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नोट करने के बाद हम इसको आपको हल करके बताते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि संख्या संख्या गुणा होता है, अर्थात 24 है और 21 गुणा कर लो आप ऐसे बगल में, जब 24 और 21 का जब गुणा करोगे बता है कितना आएगा। देखो 1 चौके 4, 1 दुके 2 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यहाँ पर आए कितना 4 और जोड़ोगे तो 8 2 10 की वहाँ से ले 4 5 यानी कि 504 आएगा। जब 504 आ जाएगा ना, इस 504 का गुणनखंड करोगे ऐसे, कैसे ऐसे गुणनखंड करोगे आप, चलो इसको गुणनखंड करके बताते हैं आप। चलो देखो 2 चौके 8 एक मिनट गलत हो गया, 2 दूना 4 एक बचा ना, इसको दे दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 2 5 10 और 2 दूना 4। अब फिर 200 काटो क्योंकि यहाँ 200 कट रहा है, देखो 2 1 कम 2 2 दूना 4 एक बचा ना, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो गया, है ना। अब देखो 2 छंग 12 और 2 3 कितना 6 हो गया, फिर 200 कट रहा है, अभी नहीं कटेगा, चलो ठीक है 3 से काट दो। देखो 3 दूनी 6 3 1 कम 3 अभी 3 से कट रहा है ना, 3 7 21 और फिर कितना हो जाएगा 7 1 कम कितना 7 ये हो गया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपका। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि हमको लाना क्या है, हमको लाना बीच में है 65, यानी 65 लाना है, ठीक है, इतना बात समझ में आ लीजिए। तो अब बताओ हम चल रहे हैं इसको इसी से संख्या से बनाएंगे, इसी संख्या से, देखो चलो यही संख्या को ले लो, 2 दूना 4 दूनी 8 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, इन दोनों को रहने दो, बात समझो, ये 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, देखो 3 3 का 9 और 2 दूना 4 दूनी 8 8 7 कितना हो 56, बोलो ये हो जाएगा 56 और गुणे 9 जब करोगे तो आ जाएगा 504, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 504 आ जाएगा, गुणा करने 504 आ जाएगा, 6 54 की 4 हाँसी लगन 5 और 9 5 45 5 कितना हो जाएगा 45 5 85 हो गया, अर्थात कितना 504 ही हो ना, ठीक है गुणा करने पा गया। लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे, देखो हम बता दें 56 और 9 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 6 15 देखो सॉरी 9 6 15 के 500 से लगेंगे और 5 1 कितना 6 65 आ जाएगा, बस आपका काम बन गया, अर्थात बस इतना तो बनाना था ना, जिसका इतना बन जाएगा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग जो है, देखते हैं, चलिए तो हम क्या करेंगे, 56 और 9 हमको मिला है, ठीक है दोस्तों आपको दिखा दिए 56 और 9 बना है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना 24x² और माइनस, देखो बात समझो इसको ऐसे बनाएंगे 9x और माइनस कितना 56x, क्यों देखो 56 और 9 को जब जोड़ोगे तो माइनस सेम वही रहेगा लेकिन दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, ठीक है ना, और प्लस कितना 21 बराबर ये आपका जीरो कर दिए, ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इन दोनों में क्या कर लेते हैं, काम में लेते हैं, किन दोनों में, इन दोनों में कॉमन लो तो कितना कॉमन बनेगा, हमें लगता है कि 3x कॉमन बनेगा क्योंकि 3 3 9 3 8 24 होता है, तो 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3 8 24 होता है, 8x बचेगा और 3 3 कितना 9 हो जाएगा ना, 3 यह हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 7 कॉमन लो क्योंकि 7 3 21 7 8 56 होता है, ठीक है ना, ये होगा ना, तो 7 कॉमन लो, कितना माइनस 7 कॉमन ले लिए, जब 7 कॉमन ले लिए तो 7 8 56 यहाँ पर 8x हो गया और ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो गया बराबर ये हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। चलो बात समझ आई, अब दोनों कोष्टक में क्या मिला, दोनों कोष्टक मिला है 8x-3 और बगल में क्या लगा है 3x-7 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि इसके बराबर एक बार 0 करोगे क्या हो जाएगा, 8x-3 बराबर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x लो एक लाइन भर देते हैं, 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8x बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस में था उधर डायरेक्ट प्लस में हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/8 हो गया, 3/8 हो गया है ना, 3/8 हो गया। अब देखो अब यदि कर दोगे, यदि क्या चीज़ 3x-7 बराबर जब 0 हो जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x = 7 हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। अब यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 7 में तो 3 दूनी 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 2 बार गया, 1 बचेगा ना,
तो ये हो जाएगा दो सही, देखो दो सही एक बटा तीन हो जाएगा। जब भाग करना आपको सिखाए हैं, यानी कि सही बटम कैसे लिखा जाता है इसको हम आपको सिखाए हैं, ठीक है ना। इसको गुणा करो दो तीन छः एक सात, यानी सात बटा तीन लिखा गया है, तो ये आंसर आपका ये मिल गया। तो इसको आंसर कैसे लिखोगे, पहले ये छोटा है ना तो इसे इसको लिखो, छोटा पहले बड़ा पीछे, तो दो सही एक बटा तीन कामा कर दो तीन बटे आठ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों इस अभ्यास को ख़त्म करने में हमें टाइम लगा था मैं मान रहा हूँ, लेकिन हमने एक एक सवाल बताया है, कभी कोई जल्दबाजी नहीं किया है। हमें हम आपसे यही मांगते हैं, टाइम मांगते हैं कि टाइम आप दीजिए हमें, आपको हम एक एक सवाल बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक जो है अभ्यास बताएंगे। अगर फिर भी कभी कोई जो है आपको लगता है सवाल नहीं समझ में आया, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, यानी फिर से देख लीजिए, आपको निश्चित समझ आएगा। इसके पहले की वीडियो, इसके बाद की वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, या इंड स्क्रीन में जो वीडियो लगती है, हर वीडियो में जो है इंड स्क्रीन लगती है, अर्थात वीडियो के अंत में जो है वीडियो एक लग जाती है, एक वीडियो नहीं चार वीडियो लगती है, तो सबसे लास्ट में जो है देखो करो कि कॉर्नर में उसके पहले इस वीडियो को पहले लगती है, इस वीडियो के बाद वाली लगती है, और प्लेलिस्ट लगती है, और आपको जो समझ नहीं आता वो भी लग जाती है। तो वीडियो के अंत में जो है वीडियो जो लगती है उस पर क्लिक करके आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर, अष्टाभ्यास अब एट का पूरा समाप्त हुआ, अब हम अगला जो चैप्टर होगा हम आपको एकदम डीपली समझाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक लाइक और एक शेयर करके ज़रूर जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वाले पूरे अभ्यास को लेकर के, उस नई उमंग को लेकर के, एक नया जोश को लेकर के अगले बड़े वीडियो में आपको मिलेंगे। तब है धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।